আজও দিনভর স্থগিত হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। নোট বিতর্কে মুলতবি প্রস্তাবের দাবি থেকে সরে এলেও আলোচনা শেষে ভোটের দাবিতে অনড় রইল কংগ্রেস তৃণমূল। আলোচনা রাজি হলেও সরকার ভোটাভুটি না চাওয়াতে দফায় দফায় মুলতবির পর দিনভর স্থগিত হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। বিরোধী ঝড়ে পণ্ড রাজ্যসভার অধিবেশন। हमारा जो एडजर्नमेंट मोशन है वो रूल 56 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो लोग वो चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कोई भी रूल में ले लीजिए जिसमें डिबेट होगा और वोटिंग होगी। Why government, in spite of a brute majority in the house, more than 300 MPs, why they are fighting to come to the vote? Discussion with vote is our only demand. कितने परेशानियों के बाद हम लोकसभा में जनप्रतिनिधि के नाते ये कह पाएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो परेशान हैं। सरकार माने या ना माने, हकीकत तो है। आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि किस तरह से, किस सूरत में जनता की वेदना को यहाँ व्यक्त करे। और मैं ये कह रहा हूँ, जब उनके भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके बदले वेदना है, वो यहाँ आना चाहिए। और इसलिए एडजर्नमेंट मोशन कह रहा हूँ। इसमें दो अलग आवाज नहीं हो सकते, पार्लियामेंट से दो सुर नहीं निकल सकते। यानी काले धन के खिलाफ पूरा देश है, पूरा सदन है, इसे हम मानते हैं। विपक्ष भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसे जब है, इसको वोटिंग के तहत डिवाइड करना, ये डिवाइडेड मैसेज देश को देना, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है।